Hi guys, this is Bhavika. Welcome back to my channel. So, जयपुर अगर आप विजिट करने वाले हैं ना तो आप सबसे पहले तो कंफ्यूज हो जाएंगे कि इतना बड़ा शहर है जयपुर, इतना खूबसूरत शहर है जयपुर, हम कौन कौन सी प्लेसेस हैं जहां हम लोग विजिट करें. फिर आप उसको गूगल करेंगे, व्हाट आर द बेस्ट प्लेसेस टू विजिट इन जयपुर. आपको ना गूगल करने की या फिर टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, बिकॉज मैं हूं यहां पर और आज मैं आपको बताने वाली हूं पांच ऐसी जगहें जयपुर में जो आपकी बकेट लिस्ट में डेफिनेटली होनी चाहिए जब भी आप जयपुर विजिट करेंगे. गेटौर की छत्रियां, वन ऑफ द हिडन जेम्स इन जयपुर एंड देयरफॉर नॉट वेरी क्राउडेड. हमारे राजा महाराजा ना बहुत ही अच्छे से जानते थे हाउ कैन मेमोरीज बी प्रिजर्व्ड. दे नेवर फेल टू प्रिजर्व द ग्रैंडियर ऑफ देयर डायनेस्टीज एंड मेंटेन देयर मेमोरीज अलाइव फॉर सेंचुरीज. डेथ का सिनोनिम होता है सैडनेस, बट हमारे राजा महाराजाओं ने ना इस सैडनेस को बदल दिया इनटू अ सागा ऑफ द पास्ट. गेटौर की छत्रियां एक्चुअली एक क्रेमेटोरियम ग्राउंड है फॉर द राजपूत डायनेस्टी. ये एक ऐसा हिडन ट्रेजर है विच इज बिल्ड विद अटमोस्ट प्रिसीजन एंड केयर. यहाँ का एम्बियंस बहुत ही पीसफुल है और यहाँ का आर्किटेक्चर बहुत ही एडमायरेबल है. एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि गेटौर की छतरियों से ये जो स्टेयर्स आप देख रहे हैं ना, ये सीधा ऊपर जाती हैं नाहरगढ़ फोर्ट की तरफ. यहाँ पर हर सेनेटॉफ पर की हुई है कार्विंग और ये रिफ्लेक्शन है ऑफ द टेस्ट ऑफ द रिस्पेक्टिव महाराजाज. एक तरफ तो नाहरगढ़ फोर्ट से जॉइंट है और दूसरी तरफ ये जो पीछे मंदिर देख रहे हैं ना, ये गढ़ गणेश मंदिर है. इसकी 365 स्टेयर्स हैं जो जॉइन करती हैं गढ़ गणेश मंदिर को विद द गेटौर की छत्रियाँ. ये देखिए, गेटौर की छत्रियों को एक्चुअली तीन पोर्शंस में डिवाइड किया गया है और मेरे लिए ना यहाँ विजिट करना वॉज अ ग्रेट लर्निंग एक्सपीरियंस. जयपुर का अमर जवान ज्योति वॉज बिल्ट टू कमेमोरेट द मार्टर्स ऑफ जयपुर हु सर्व्ड द कंट्री ड्यूरिंग वॉर टाइम. आप देख सकते हैं एक अपटर्न राइफल है दैट इज कवर्ड बाय अ वॉर हेड गियर. यहाँ पर हमारे सभी ब्रेव सोल्जर्स विल ऑलवेज बी रिमेम्बर्ड फॉर देयर वैलर एंड सेक्रीफाइस. और बैक साइड पर ये जो गेट देख रहे हैं, ये गेट है, एंट्री गेट है सवाई मान सिंह क्रिकेट स्टेडियम का. एंड बिल्कुल सामने आप स्टेयर्स पर बैठकर शाम को लाइट एंड साउंड शो का व्यू एंजॉय कर सकते हैं. एक वॉक थ्रू म्यूजियम बनाया गया है यहाँ पर गाइज. यहाँ विजिट करना मुझे पर्सनली बहुत ही अच्छा लगा. यहाँ हमारे सोल्जर्स की ब्रेवरी के किस्से सुनने को मिलते हैं, देखने को मिलते हैं. कुछ ऐसे विजुअल्स जो हमने कभी नहीं देखे वो सब यहाँ पर आप देख सकते हैं. आप खुद आइए, अपने बच्चों को लाइए, बहुत कुछ आपको देखने को सीखने को मिलेगा यहाँ से. ये सभी डिटेल्ड वीडियोस के लिंक्स मैं ना डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, प्लीज़ उनको क्लिक करके वॉच ज़रूर कीजिएगा. और यहाँ पर विजिट करने के लिए आपको कोई भी एंट्री टिकट लेने की ज़रूरत नहीं है. जो यहाँ का मेन अट्रैक्शन है वो है जो शाम को लाइट एंड साउंड शो होता है. शाम होते ही जैसे जैसे अंधेरा होना शुरू होता है, धीरे धीरे सब कुछ लिट अप हो जाता है इन द कलर्स ऑफ आवर नेशनल फ्लैग. ये व्यू ना आप बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते. एंड नेक्स्ट इज द पत्रिका गेट. पत्रिका गेट एक बहुत ही फेमस मॉन्यूमेंट एंड टूरिस्ट अट्रैक्शन है जयपुर का. एशिया के सबसे बड़े सर्कल जवाहर सर्कल की एंट्रेंस पर बना है ये गेट और प्रोबेबली द मोस्ट कलरफुल मॉन्यूमेंट आई हैव एवर सीन. पत्रिका गेट का हर एक पिलर पेंट किया गया है विद सम इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द राजस्थान स्टेट. ये गेट डेफिनेटली इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट फोटोग्राफ्ड स्पॉट्स भी है. These vibrant and intricate walkways serve as the true reflection of Rajasthani culture. Patrika Gate ko Jaipur ka ninth gate bhi kehte hain and it was named after a local news company called Patrika. The 9-point vastu principle has been given special attention while designing Patrika Gate. Patrika Gate Jaipurites ka ek favorite hangout spot hai. यहाँ पर वो आते हैं, हैंग आउट करते हैं, सेल्फीज क्लिक करते हैं और बहुत कुछ सीख के जाते हैं. मॉर्निंग वॉकर्स के लिए भी पत्रिका गेट एक बहुत ही फेवरेट स्पॉट है. यहाँ पर बहुत सारी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, आप यहाँ पर हॉर्स राइडिंग भी कर सकते हैं. वीकेंड्स पर तो ना पत्रिका गेट की रौनक देखने वाली होती है. यहाँ पर हर शाम बच्चे आते हैं स्केटिंग सीखने के लिए और ये है पत्रिका गेट का बैक साइड.
आई गारंटी यू, एक बार आप पत्रिका गेट विजिट करेंगे ना, यू विल फॉल इन लव विद दिस प्लेस. नेक्स्ट इज माई मोस्ट फेवरेट एल्बर्ट हॉल म्यूजियम. यस, राम निवास गार्डन में बना एल्बर्ट हॉल म्यूजियम इज द ओल्डेस्ट म्यूजियम ऑफ द स्टेट. एल्बर्ट हॉल म्यूजियम हैज अ रिच कलेक्शन ऑफ आर्टिफैक्ट्स इंक्लूडिंग पेंटिंग्स, ज्वेलरी, कार्पेट्स, आइवरी, स्टोन, मेटल्स, स्कल्पचर्स एंड वर्क्स इन क्रिस्टल. और ये सारी जो कलेक्शंस आप देख रहे हैं ना, ये सब हैं गुप्ता, कुशान, दिल्ली सल्तनत, मुगल एंड ब्रिटिश पीरियड्स की. एल्बर्ट हॉल म्यूजियम में टोटल आपको 16 आर्ट गैलरीज भी देखने को मिलेंगी. और इस म्यूजियम का डिज़ाइन इज़ क्वाइट सिमिलर टू द विक्टोरिया एंड एल्बर्ट म्यूजियम इन लंदन. इट वॉज एक्चुअली अ कॉन्सर्ट हॉल विच वॉज कन्वर्टेड इन टू अ म्यूजियम लेटर. एंड गाइज, ये जो म्यूजियम है ना, ये बना है इन द मिडल ऑफ द सिटी एंड आई विल हाईली रिकमेंड दिस प्लेस. और यहाँ विजिट करने के बाद ना, आप विजिट कर सकते हैं जयपुर की फेमस मार्केट्स जो इस म्यूजियम से ज़्यादा डिस्टेंस पर नहीं है. सो आप श्योरली विजिट कीजिए, बहुत ही अच्छी मार्केट्स हैं इस म्यूजियम के पास. एंड यहाँ इस म्यूजियम की जो मेन अट्रैक्शन है वो है ये इजिप्शियन ममी. इट इज़ ऑफ अ वुमेन नेम्ड टुटू. और यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने अच्छे से प्रिजर्व करके रखी गई है ये इजिप्शियन ममी. ये आप MRI भी देख सकते हैं, बिल्कुल बहुत ही अच्छे से प्रिजर्व की हुई है. एंड गाइस, आपका जयपुर टूर ना एल्बर्ट हॉल म्यूजियम विजिट किए बिना बिल्कुल अधूरा है. पक्का से आपको यहाँ विजिट करना ही पड़ेगा. ये है जयपुर का फर्स्ट एंड फाइनेस्ट गो कार्टिंग ट्रैक द पिंक फैल्कन. सबसे पहले रजिस्टर करवाना होता है एंड आप यहाँ लगी स्क्रीन से ही देख सकते हैं कि ट्रैक पर इस टाइम कौन है. प्रीमिसेस में कैफे भी है वेयर यू कैन एंजॉय सम डिलीशियस फूड एंड बेवरेजेस. द पिंक फैल्कन इज बिल्ट फॉर एडवेंचर एंड मोटर स्पोर्ट एक्टिविटीज फॉर एंथुजियास्ट लुकिंग फॉर थिंग्स टू डू इन जयपुर. ये है इनका चार्जिंग पॉइंट और सेफ्टी गियर्स दिए जाते हैं आपको. आपको पूरा ट्रैक समझाया जाता है, पूरे रूल्स एंड रेगुलेशन समझाए जाते हैं ताकि आप कोई गलती ना करें ट्रैक पर जाकर. एंड गाइस, बहुत ही ट्रेन्ड स्टाफ है यहाँ का और ये सभी कार्स भी बहुत ही वेल केप्ट हैं. सो कम टुगेदर टू रेस विद योर फ्रेंड्स, फैमिली एंड अदर कम्युनिटी रेसर्स. दे आर इक्विप्ड विद द टाइमिंग टेक्नोलॉजी टू मेजर द लैप टाइमिंग्स एंड हाउ फास्ट कार्स आर गोइंग. Be a part of an incredible race arena to find out who will be the fastest in 2023. So guys, this was my today's vlog. Stay tuned because आने वाले videos में मैं आपको बहुत सारी और ऐसी places बताऊंगी जयपुर की जहां पर आपको पक्का से visit करना पड़ेगा जब भी आप जयपुर आएंगे. So till then, stay safe and keep asking your life. Okay, now what?